नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। लखनऊ में आज इकाना स्टेडियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन टैबलेट का वितरण किया। कार्यक्रम में लखनऊ के लगभग 130 संस्थानों के विद्यार्थियों को इकाना स्टेडियम में लाभान्वित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं देखता था, गांव में जाता था, बच्चों से पूछता था पढ़ाई हो रही है। वे कहते थे पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कोई सुविधा नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, टैबलेट नहीं है, हम अपने कैसे अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे पास सुविधा नहीं है। और तब सरकार ने तय किया हम प्रदेश के 1,01,00,000 युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के साथ जुड़ेंगे, जिससे ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा सके। भाइयों बहनों, ये काम दमदार का ही परिणाम है। याद करिए 2017 के पहले जो नियुक्तियां होती थी उनमें भाई भतीजावाद होता था। उसमें कुछ जगहों पर तो ऐसा होता था कोई नौकरी चलती, कोई नौकरी निकली और नौकरी निकलने के बाद एक खानदान के लोग, एक वंश के लोग, चाचा भी, भतीजा भी और मामा भी, अरे सभी लोग वसूली में निकल पड़ते थे। ये सभी लोग निकल पड़ते थे। महाभारत का कोई रिश्ता नहीं छूटता था जो वसूली में नहीं निकलता हो। कहीं शकुनी मामा निकलता था, कहीं दुर्योधन भांजा निकलता था, कहीं कोई दुशासन निकलता था और कहीं पर कोई भतीजा निकल पड़ता था। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद हम लोगों ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के जीवन के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल होगी। जेल प्रदेश में पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती की प्रक्रिया होगी और भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। 10 वर्षों में 2,00,000 भर्ती नहीं हो पाई थी, हम लोगों ने मात्र अभी 5 वर्ष भी नहीं हुए हैं 4.5 लाख युवाओं को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी है। फरुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं राहगीरों की मदद से बाइक सवार को सीएससी अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। फरुखाबाद का एक पूरा मामला, जहां पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बीजेपी की जनविश्वास यात्रा के हमीरपुर मुख्यालय पहुंचने पर जिलाध्यक्ष ब्रजकिशोर गुप्ता के नेतृत्व में नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद, बीजेपी वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला सहित सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस यात्रा में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा, प्रदेश सरकार के मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, पिशावर वित्त विकास निगम के अध्यक्ष बाबूराम निषाद, जिला प्रभारी रंजना उपाध्याय भी मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि आने वाले विधानसभा चुनाव में लोगों को बीजेपी के प्रति विश्वास दिलाने के लिए ये जन विश्वास यात्रा निकाली जा रही है। फरुखाबाद की तस्वीरें, जहां पर जन विश्वास यात्रा का भव्य स्वागत किया गया है। हरिद्वार के सांडिला में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सांडिला विकासखंड में मोहनलालगंज से सांसद और केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कौशल किशोर से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर कहीं छापा पड़ता है और अवैध संपत्ति और पैसा बरामद होता है तो अखिलेश यादव को तकलीफ क्यों होती है। इसका मतलब है कि अवैध संपत्ति इकट्ठा करने में अखिलेश सहयोग करते हैं, बीजेपी ही संगठन के तर्ज पर काम करती है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण यहां किया गया। कौशल किशोर ने अखिलेश पर निशाना भी साधा। छापा दूसरों के यहां पड़ता है, परेशानी अखिलेश जी को होती है और अगर उनके यहां से नगद पैसा बरामद हुआ, तमाम अवैध संपत्ति बरामद हुआ, उसमें अखिलेश जी को कि ये परेशानी क्यों हो रही है,
इसका मतलब अवैध संपत्ति इकट्ठा करने में अखिलेश जी मदद करने का काम करते हैं, उनका सहयोग करने का काम करते हैं। बीजेपी के पास ही सब कुछ बचा है, बीजेपी जनता के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है सेवा ही संगठन के तहत काम करती है, इसलिए उत्तर प्रदेश में फिर से योगी जी की सरकार बनेगी। किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग सभी लोग, यहाँ तक कि सपा और बसपा का जो कैडर बेस वोट है, उनका विशेष पर्टिकुलर विशेष जातियों का वोट है, वो भी भाजपा को वोट करेगा क्योंकि उसे सुविधाएं मिलेगी। जौनपुर के शाहगंज नगर में जमीन कब्जा करने के मामले में दलित बस्ती की महिलाओं ने प्रॉपर्टी डीलर की चप्पलों से पिटाई कर दी। वह इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर की दबंगई से तंग आकर महिलाओं ने प्रॉपर्टी डीलर की पिटाई की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जौनपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, महिलाओं ने प्रॉपर्टी डीलर को जमकर धोया है, प्रॉपर्टी डीलर की चप्पलों से खूब पिटाई की है। तो किसी ने वीडियो बना लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ है। कानपुर के नवबस्ता थाना क्षेत्र में ट्रक चालक की ईंट से कूचकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। ट्रक चालक का शव प्लॉट के कमरे में लहूलुहान अवस्था में पड़ा मिला। वह स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू की है। कानपुर का यह पूरा मामला जहां पर ट्रक चालक की निर्मम तरीके से हत्या कर शव को फेंक दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा है। इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। कानपुर में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना भी सड़क पर बैडमिंटन खेल लेंगे। वहीं इस दौरान उनके साथ सैकड़ों समर्थकों की भीड़ भी दिखी। वहीं मंत्री जी को इस बीच कोरोना का भी डर नहीं रहा। बिना मास्क के दर्जनों समर्थकों के साथ मंत्री जी बैडमिंटन खेलते दिखाई दिए, जिसके बाद मंत्री जी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। कानपुर की तस्वीरें, बीच सड़क पर मंत्री जी बैडमिंटन खेलते हुए नजर आए हैं। बिना मास्क दर्जनों समर्थकों के साथ मंत्री जी आराम से बैडमिंटन खेल रहे थे। यहाँ पर इन्हें ना तो कोरोना का डर था, ना ही कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन का डर सता रहा था। लखनऊ में सड़कों की गुणवत्ता में सुधार के लिए लोक निर्माण विभाग ने नई पहल शुरू की है, जिसके तहत रोड रिपेयर एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रोड रिपेयर एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। बता दें कि रोड रिपेयर एम्बुलेंस सड़कों पर मरम्मत के लिए रेडीमेड मिक्स का उत्पादन भी कर सकती है। तो रोड रिपेयर एम्बुलेंस का शुभारंभ हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर पहुंचे, जिन्होंने इस वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मुरादाबाद के काट थाना क्षेत्र में दो दिन से लापता 7 साल की मासूम का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 7 साल की मासूम के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम देकर हत्या की पुष्टि की गई है, जिसके बाद पुलिस ने दुष्कर्म कर हत्या करने का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी। मुरादाबाद का ये पूरा मामला जहां पर मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है, आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। मेरे लड़के खोए गई थी, उसी की देखभाल चल रही थी, और ये लड़के जो है 22 तारीख में हमारी खोई गई थी, 5 बजे के टाइम, 4-5 बजे। उसके बाद में ये घर नहीं आई, लोग अब मिली 24 तारीख में हमें खत्म हुई भी मिली। जगह ढूंढा जहाँ पे भी, जिसने बताया वहीं पे सब चले गए, सब घर वाले सब वहीं पे गए, पर इसका कहीं पता ना मिला। दिन रात परेशान रही सब ऐसे, पर कहीं ना मिली। कल मिली वो हमें, वो भी जिंदा मिली, मरी भी नहीं। थाना क्षेत्र कांठ के कस्बा कांठ में एक अभ्यस्क बालिका के घर से खेलते समय गायब होने की सूचना पर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था, एवं पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से बालिका का तलाश की जा रही थी। कल बालिका का घर से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर खेत में शव बरामद हुआ है। इस संबंध में बालिका का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम से हत्या एवं दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। अज्ञात अभियुक्त की तलाश के लिए हमारी टीम लगातार कार्य कर रही है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा।
सीतापुर के कोतवाली तालगांव इलाके में गांव के ही दबंग ने एक महिला से गाली गलौज किया है। महिला ने मना किया तो दबंग महिला से उसने मारपिटाई की। वहीं इस मारपिटाई में 8 महीने की मासूम भी घायल हो गई। वहीं पीड़िता ने थाने में जाकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, पर दबंगों के खिलाफ राजनीतिक रसूख के चलते पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़िता की माने तो दबंगों की तरफ से सुलह समझौता का दबाव भी बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस भी पूरे मामले में दबंगों से मिली हुई है। सीतापुर का ये पूरा मामला है जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर एक महिला को जमकर पीटा है, जिसमें 8 महीने की मासूम भी घायल बताई जा रही है। वहीं पीड़िता का आरोप है कि दबंगों की मिलीभगत पुलिस से है। मैंने कई बार सीतापुर पुलिस अधीक्षक से बात करने की कोशिश की, किंतु पीआरओ साहब सदैव ये बताते रहे कि कप्तान साहब मीटिंग में। पीआरओ साहब ने मेरी बात नहीं कराई। मेरे पास काफ़ी जो है उनकी कॉल डिटेल्स भी हैं और करीब मैं 15 दिन से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बात हो जाए। आज ये जो रोहिणी शुक्ला हैं ये मेरे पास पहुँची थी। जब ये मेरे पास पहुँची तो इन्होंने हमको दिखाया कि बच्चे की आँख फूट गई। विद्याशंकर वाजपेयी जो अमौरा बनई रामा का है वो ऑलरेडी एक मुजरिम जी, उसने पहले कत्ल करने के इरादा कत्ल कान काटने के जुर्म में ये सजा याफ्ता है। इन लोगों ने जो है आकर के इस, जैसा कि इन लोगों ने बताया कि इसके इसकी आंख फोड़ना चाहते थे, लेकिन इसकी गोदी में बच्चा था जी। गोदी में बच्चा था और बच्चे की आँख फोड़ दी। अमरोहा के जोया कस्बे में शराबी ने एक युवक की कार में तोड़फोड़ की, इसी के साथ ही कार के मालिक के साथ भी मारपिटाई की है। वही इस दौरान ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित युवक ने थाने में जाकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बलरामपुर के मथुरा बाजार में अटल जी की तरफ से स्थापित इंटर कॉलेज में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि पर उनकी याद में बीजेपी के पदाधिकारियों की तरफ से विचार गोष्ठी और कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। वहीं इस कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम करने वाले तत्कालीन नेता और सहयोगी भी मौजूद रहे। बलरामपुर की तस्वीरें, कवि सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया है। बीजेपी के कई कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद नजर आए हैं। दरअसल बलरामपुर के मथुरा बाजार में अटल जी की तरफ से स्थापित इंटर कॉलेज में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि पर उनकी याद में बीजेपी के पदाधिकारियों की तरफ से विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। इसमें कवि सम्मेलन भी हुआ है। इस कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम करने वाले तमाम नेता और सहयोगी भी मौजूद रहे थे। हमीरपुर में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा चौरा देवी ग्राउंड से शुरू हुई और जनसभा ग्राउंड से नगर का दौरा किया, जिसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री भानु वर्मा सहित दर्जा प्राप्त मंत्री बाबूराम निषाद और राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद ने जनसभा को संबोधित किया। जनविश्वास यात्रा के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा की शुरुआत की गई। हमीरपुर की तस्वीरें, जहां पर चौरा देवी ग्राउंड से जनविश्वास यात्रा का शुभारंभ हुआ है। वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं ने किया है। हापुड़ में गुड़ व्यापारी नवीन मंडी स्थित अपने फर्म पर जा रहा था। जैसे ही व्यापारी देवनंदी अस्पताल के पास फ्लाईओवर पर पहुंचा, तभी बाइक सवार दो बदमाशों ने व्यापारी को रोक लिया और लूटपाट शुरू कर दी। जब व्यापारी ने लूट का विरोध किया तो बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी पर गोली चला दी और 3 लाख की रकम लूट कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद घायल व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद हापुड़ एसपी खुद मौके पर पहुंचे और मामले की जाँच में जुट गए हैं। वही पुलिस जल्द ही घटना के खुलासे की बात भी कह रही है। तो हापुड़ का एक पूरा मामला है जहां पर एक बार फिर से व्यापारी के साथ दिनदहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 3 लाख रुपए लूट कर बदमाश फरार हो गए हैं। वहीं व्यापारी पर गोली भी चलाई है। भैया एक हमारा गुड़ व्यापारी है गोविंद टीनू, वो आज अपने घर से मंडी के लिए जा रहा था। उसके पास कैश भी था 3 लाख रुपए लगभग। तो ये पुल पर, फ्लाई ओवर के पुल के ऊपर, उसको कुछ बदमाशों ने पीछे से टक्कर मारी और उसका थैला छीन के उसको गोली मार दी। उसके बाजू में गोली लगी है। तो अभी क्या स्थिति है व्यापारी की? व्यापारी गंभीर तो है ही है, अभी तो देखिए क्या होता है। लेकिन लगातार इस पुल पर लगातार कई घटनाएं हो चुकी हैं
प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। एक गुड़ व्यवसायी गोविंद कुलभूषण जी हैं, आज सुबह वो मंडी जा रहे थे तो फ्लाईओवर के पास में दो अज्ञात मोटरसाइकिल वाले मिले हैं, उन्हें रोका है, उसके बाद उनका बैग छीनने का प्रयास किया, फिर बैग उनका छीन लिया, फिर उनको गोली मारी है जो उनके हाथ में लगी है। उनका इलाज देवनंदिनी हॉस्पिटल में चल रहा है, फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं। घटना के खुलासे के लिए 4 टीमें गठित कर दी गई हैं और हम लोग इस घटना का खुलासा करेंगे और लूटे गए माल की बरामद। कन्नौज के पार्टी कार्यालय में सदर विधायक अनिल दोहरे के साथ पार्टी के जिला प्रवक्ता विजय द्विवेदी ने पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी पर हमला बोला, जिन्होंने कहा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बढ़ती लोकप्रियता और विजय रथ यात्रा में मिल रहे अपार जन समर्थन से बीजेपी नेता बौखला गए हैं, इसलिए किसी भी जैन नाम वाले कारोबारी को सपा से जोड़कर झूठा बदनाम कर रहे हैं। ऐसे तो नीरव मोदी को प्रधानमंत्री का रिश्तेदार कहा जा सकता है। कन्नौज का एक पूरा मामला जहां पर सपा कार्यकर्ता कहते हुए नजर आए हैं कि सपा को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। दरअसल कन्नौज के पार्टी कार्यालय में सदर विधायक अनिल दोहरे के साथ पार्टी के जिला प्रवक्ता विजय द्विवेदी ने पत्रकारों से बातचीत की और बीजेपी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बढ़ती लोकप्रियता, विजय रथ यात्रा में मिल रहे अपार जन समर्थन से बीजेपी नेता बौखला गए हैं, इसलिए किसी भी जैन नाम वाले कारोबारी को सपा से जोड़कर झूठा बदनाम कर रहे हैं। ऐसे तो नीरव मोदी को प्रधानमंत्री का रिश्तेदार कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बड़ी भीड़ से उनकी लोकप्रियता को देख करके भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, जिससे वो ईडी जीएसटी इनकम टैक्स द्वारा जो छापे प्रायोजित करके समाजवादियों के ऊपर भी डलवाए गए हैं और जो अन्य लोगों पे भी डाले जा रहे हैं, उनसे समाजवादी पार्टी को जोड़ करके समाजवादी पार्टी की छवि को खराब करने की नाकाम कोशिश कर रही है। कानपुर में पीयूष जैन या अमरीश जैन के यहाँ डाले गए छापों में कोई भी पीयूष जैन या अमरीश जैन से समाजवादी पार्टी के MLC का कोई लेना देना नहीं है, सपा का उनसे कोई लेना देना नहीं है और न कन्नौज में किसी छापे से सपा का कोई लेना देना है। जो विभाग है IT या जीएसटी अपनी कार्रवाई करे, सपा का कोई उनसे मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित जिले में कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में तैयारियों के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने सबसे पहले क्रिसमस डे की सभी को बधाई दी। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री का जिले में 31 दिसंबर को संभावित दौरा कार्यक्रम प्रस्तावित है, इसलिए संबंधित विभाग अपनी अपनी बड़ी परियोजनाओं के शिलान्यास लोकार्पण के लिए तैयारी कर ले और कार्यक्रम स्थल पर मंच हेलीपैड साफ सफाई कर ले। वहीं पुलिस विभाग को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। कानपुर की तस्वीरें, सीएम के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है, अधिकारियों का तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो कानपुर देहात की तस्वीरें जहां पर अधिकारियों का तमाम दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। दरअसल 31 दिसंबर को सीएम का दौरा यहां पर प्रस्तावित है, जिसको लेकर पहले से ही अधिकारियों के हाथ पांव फूले हुए नजर आ रहे हैं। मैनपुरी में दिसंबर की शुरुआत के साथ ही जिले में तापमान में कमी और सर्द हवाओं के चलने से सर्दी बढ़ गई है। सर्दी जुकाम के साथ ही निमोनिया की दस्तक भी हो गई है, जिससे मरीज बढ़ रहे हैं। सर्दी बढ़ने के साथ ही निमोनिया के रोगियों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। जिला अस्पताल में बीते 23 दिनों में निमोनिया से पीड़ित 20 बच्चों ने दम तोड़ दिया, जिसमें 3 बच्चों की मौत इलाज के दौरान ही हो गई, जबकि 17 बच्चे निजी डॉक्टर के यहां से इलाज के बाद जिला अस्पताल में मृत अवस्था में पहुंच चुके थे। अस्पताल में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार 1 दिसंबर से 23 दिसंबर तक लगभग 2070 बच्चे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे, इसमें सर्दी जुकाम निमोनिया और बुखार से पीड़ित 1400 बच्चे बताए जा रहे थे। तो मैनपुरी की तस्वीरें जहां पर सर्दी बढ़ते ही निमोनिया का प्रकोप भी शुरू हो गया है। करीब
20,000 बच्चे बताए जा रहे हैं जो कि निमोनिया से प्रभावित हैं। अभी जानकारी में आया है प्रकरण, जांच कराएंगे कि मतलब कि जबकि जिला अस्पताल में और महिला चिकित्सालय में कुल मिलाकर के 4 पीडियाट्रिशियन तैनात हैं। संभल के केला देवी थाना क्षेत्र में एक फौजी का परिवार गांव से चला गया है। परिवार के सदस्यों ने जहां पुलिस पर रेप का झूठा केस दर्ज करने का आरोप लगाया, तो वहीं इस मामले में 4 महीने में परिवार के 2 सदस्यों की हत्या कराने का बीजेपी पर आरोप लग रहा है, जिसके बाद कैमरे पर परिवार ने पलायन का ऐलान किया। वहीं पुलिस ने पलायन को ड्रामा बताया। सीओ चंदौसी ने बताया कि 2 लोग रेप में आरोपी हैं, जिनके खिलाफ NBW और कुर्की भी हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि इस परिवार ने संभल SP चक्रेश मिश्रा पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। बहुत ज्यादा परेशानी है हमें जी, जान माल जो हमें बहुत खतरा है। 3 महीने पहले भाई मार दिया जी, और 25 तारीख में 25 नवंबर में पिताजी मार दिए जी। अब हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमें भी खतरा है। पुलिस है कपिल सिंगल के दबाव में जी, जो कि यहाँ के कपिल और राजेश संभल वाले जी, ब्लैक पवासा हृदय से यादव जी, उनका पूरा हाथ है हमें मरवाने में। हम अपनी जान बचाने के लिए कर रहे हैं, हमारे पीछे से ये पुलिस वाले भी हैं, गांव वाले भी हैं, और हमारे लिए कोई अभी तैयार नहीं है बचाने के लिए। 2 मर चुके हैं, मेरा लड़का, मेरे पति, और मैं कहां जाऊं, ये कुछ नहीं था। ग्राम सिसोना थाना केला देवी में क्राइम संख्या 602/21 में 376G व SC/ST एक्ट के तहत 3 व्यक्तियों के खिलाफ एक मुकदमा कायम हुआ था, जिसमें राजेंद्र सनोप नवरत कोर्ट में समर्पण कर चुके हैं, और जसवीर और सुमित इनके खिलाफ दिनांक 1/12/21 को NBW जारी हो गए हैं, तथा दिनांक 24/12/21 को 82 की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। ये अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से पलायन का भ्रम फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गिरफ्तारी से बचने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2022 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। इसी के तहत बीजेपी की ओर से नगर विधानसभा के उत्सव रामलीला ग्राउंड में एक युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन के जरिए बीजेपी युवाओं में चुनाव को लेकर जोश भरने का काम कर रही है। इस कार्यक्रम में युवाओं ने काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो रामपुर की तस्वीरें, जहां पर युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम युवाओं को आकर्षित करने को लेकर ये कार्यक्रम रखा गया था। दरअसल इस कार्यक्रम के तहत युवाओं में पुरजोर तरीके से चुनाव को लेकर जोश भरने की कवायद की जा रही है। तो विधानसभा चुनाव 2022 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। इसी के तहत बीजेपी की ओर से नगर विधानसभा के उत्सव रामलीला ग्राउंड में एक युवा सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है। सहारनपुर की क्राइम ब्रांच और कोतवाली मंडी पुलिस ने हत्या के आरोपी शहनवाज उर्फ जर्नल को 26 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के लाल चौक से गिरफ्तार किया। आरोपी जर्नल को पुलिस ने 1991 में हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। 4 साल तक वो जेल में बंद रहा, लेकिन हाईकोर्ट से पैरोल पर जेल से बाहर आकर फरार हो गया। आरोपी अनंतनाग में रेहड़ी पर जुराब बेचकर गुजारा कर रहा था। 1995 से फरार चल रहे अभियुक्त को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज एक 25 साल से फरार चल रहे अपराधी को गिरफ्तार करने में मंडी पुलिस को और हमारी SOG टीम को सफलता मिली है। इस अभियुक्त का नाम है शहनवाज उर्फ जनरल, जो कुतुब से थाना क्षेत्र का रहने वाला था। 1991 में इसने एक मर्डर की घटना की थी मंडी थाना क्षेत्र में। इसके बाद इसको यहाँ से आजीवन कारावास हो गया था, जिसके बाद इसने माननीय उच्च न्यायालय में अपील की थी, वहाँ से जमानत पर आया था, और जमानत के बाद ही वो फरार हो गया। और जब इसको फिर तलब किया गया तो कभी भी न्यायालय में पेश नहीं हुआ, तो फिर माननीय न्यायालय द्वारा इसके गिरफ्तारी के लिए NBW जारी किया गया।
तब से लगातार प्रयास किया जा रहा था समाचार पत्रों में लेके सारी चीज़ों में इसके कॉल डिटेल को लेके इसके रिश्तेदारों से बातचीत कर की जा रही थी, लेकिन इसका कोई भी ठिकाना पुलिस को अभी तक नहीं मिल पा रहा था। लगातार प्रयास के बाद पता लगा कि ये जम्मू कश्मीर में कहीं मोजे बेचने का काम कर रहा है। यहाँ से हमारी टीम गई थी और इसको कल करीब 4:30 बजे लाल चौक से थाना अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट गिरफ्तार करके अभी हमारी पुलिस की टीम यहाँ पर ले आई है। भाजयुमो के सम्मेलन में पहुंचे यूपी सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने संभल सांसद शफीकुर्रहमान बर्क को बुद्धिहीन बताया है। उन्होंने कहा कि बुद्धिहीनता से सपा की दुर्गति हुई है। अखिलेश यादव का जिन्ना आदर्श है, सरदार पटेल वीर सावरकर हमारे आदर्श हैं, प्रियंका गांधी और उनकी मां राम को नहीं मानती, वो लड़की है, लड़े, उन्हें रोक कौन रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा वृद्ध सम्मेलन संभल के अंदर है, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझको यहाँ कार्यकर्ताओं के विषय बातचीत करने के लिए यहाँ पर भेजा है। आज जिस प्रकार का विषय पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है और चुनाव बहुत नज़दीक है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार दोबारा बने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से सबके कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, सबको कुशल देने का काम किया है, सबके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है, उन्हें बिना किसी जाति भेद के, बिना किसी वर्ग भेद के हिंदू को, मुस्लिम को, गरीबों को और व्यापारियों को भी, उद्यमियों को भी कुछ ना कुछ देने का काम किया है। बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए अध्यापक तरह तरह के कार्यक्रम विद्यालय पर करते रहते हैं, तो वहीं सिद्धार्थनगर के तिलक इंटरमीडिएट कॉलेज बांसी में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया जिसमें उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री और पूर्व सांसद ने शिरकत की। इस विद्यालय पर बच्चों में छिपी प्रतिभाओं को निखारने के लिए 1965 से वार्षिक उत्सव किया जाता है, तो वहीं साल भी वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया है। कोरोना काल में वार्षिकोत्सव बाधित रहा, लेकिन तिलक इंटरमीडिएट कॉलेज की बहुत पुरानी परंपरा वार्षिकोत्सव है। वार्षिकोत्सव के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं के अंदर जो नैसर्गिक क्षमता होती है उसका विकास होता है, और ये हमेशा से नई शिक्षा नीति में भी इस बात का प्रावधान है और हमारे यहाँ पुराने गुरुकुल के समय से व्यवस्था है कि जो जितने भी शिक्षार्थी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनका सभी प्रकार से विकास हो, यानी संपूर्ण सर्वांगीण विकास हो। बच्चों के लिए मैंने आज तिलक इंटर कॉलेज का वार्षिक उत्सव है और मैं प्रबंधक और प्रधानाचार्य के द्वारा हमको आमंत्रित किया गया था, मैं इसमें शरीक भी हुआ। बच्चों का बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण भी 2-3 मैंने देखा और अभिवादन में मैंने बच्चों के भविष्य के बारे में भी चिंता करते हुए उनको बताया भी क्या क्या योजनाएँ हमारे बीच में हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितना मजबूत रह सकते हैं, सशक्त रह सकते हैं। सरकार के भी कुछ कार्यक्रमों के बारे में मैंने जिक्र किया और के विषय पर भी मैंने थोड़ा सा उनको जानकारी दिया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।